अनूप मंडल और जैन समुदाय के बीच जो विवाद चल रहा है, जिस तरह से अनूप मंडल के आरोप जैन परंपराओं के खिलाफ जहर उगलने वाले बोल की तरह निकले हैं, निकल रहे हैं, उन पर कुछ प्रतिक्रियाएं आई थी। और जैसा कि आपने देखा होगा कि इन दिनों टीवी डिबेट भी हुई थी, उसमें कुछ जैन संत आचार्यों ने भी हिस्सा लिया था और संभवतः वो दूसरी या तीसरी डिबेट रही होगी, जिसमें जैन संत आचार्य श्री विमल सागर सूरी जी महाराज जी की भी उपस्थिति थी। और उस डिबेट में सबसे अधिक जो ये कहा जा सकता है कि एग्रेसिव मोड पर और अनूप मंडल के आरोपों का जवाब देने या उनके आरोपों की धार को कुंद करने में सबसे बड़ी भूमिका विमल सागर सूरी जी महाराज उस वक्त टीवी डिबेट में निभा रहे थे। और उसके बाद अनूप मंडल के टारगेट में विमल सागर सूरी जी महाराज आ गए। और टारगेट में आए तो फिर जिसकी जो परंपरा होती है वो उस परंपरा में जवाब देता है। उन्होंने पुतले जलाए, अनूप मंडल ने विमल सागर सूरी जी महाराज के लिए अभद्र टिप्पणियां की। कुछ ऐसा हुआ जो इस सभ्य समाज में किसी के लिए भी उचित नहीं था, और विशेषकर जो कर रहे थे उनके लिए तो न सिर्फ उचित बल्कि एक तरह से कहा जाए तो उन्होंने इस देश की धर्म निरपेक्षता का, इस देश के संवैधानिक अधिकारों को चुनौती दी थी। आज सोशल मीडिया में मुंबई से विजेता जैन जी ने मुझे एक ऑडियो भेजा है। उस ऑडियो को मैंने सुना, वो विमल सागर सूरी जी महाराज का है जो थोड़े व्यथित थे, उनके शब्दों में दर्द था और उनके शब्दों में अपने ही समाज के संत आचार्य और अपने ही समाज के श्रावकों के लिए कुछ सवाल थे। दर्द इस बात का नहीं था कि अनूप मंडल आक्रोश में हैं, वे उनके टारगेट में हैं, वे उनका कुछ कर लेंगे, यह डर भी नहीं था और इस बात का उतना दर्द भी नहीं था। दर्द हमेशा अपोजिशन की हरकत पर नहीं आता, दर्द हमेशा उस वक्त आता है जब आपके अपने उस वक्त नहीं बोलते जब कोई सामने वाला आपके पूरे समुदाय पर प्रहार करता है और वो व्यक्ति उस प्रहार के खिलाफ कहीं बोल करके आता है और तब वो अनूप मंडल के टारगेट पे आ जाता है। संत जी का जो सवाल था वो सवाल जैन समुदाय के लिए वाकई में बनता है और जैन समुदाय के संत आचार्य भगवंतों के लिए बिल्कुल बनता है। इसलिए बनता है कि ये पंथ और संप्रदाय की दीवारों में उलझे हैं, ये इसलिए बनता है कि ये अपने ईगो, अपनी प्रतिष्ठा, अपना मान, अपना सम्मान में उलझे हैं। जब एक संत आचार्य को कोई परंपरा वाला, जो आपके जैन धर्म की परंपरा को ही राक्षसी परंपरा कहता है, जब वो टारगेट कर रहा है तो क्या दूसरे संत आचार्यों को यह बड़ा अच्छा लग रहा है कि वो बोलकर आए, अब इसलिए वो टारगेट हो रहे हैं? क्या उनको अपनी भाषा, अपने प्रवचन, अपने स्टेटमेंट से विमल सूरी सागर जी महाराज का साथ नहीं देना चाहिए था? मैं जानता हूं कि संत
समाज किसी के प्रहार पर लाठी तो नहीं उठा सकता, लेकिन शब्दों की रेखा तो खींच सकता है, भावनाओं की जाजम तो बिछा सकता है। यह तो बता सकता है कि आप अगर जिन शासन के लिए बोलकर आए हैं, आपने अगर सत्य का पक्ष लिया है, तो यह पूरा जिन शासन आपके साथ है। मुझे याद आ रहा है मेरा कल का जैन समाज के एक श्री भरत जैन का जो एक इंटरव्यू था, जिसमें उस व्यक्ति का दर्द भी यही था कि हमारे यहां पर जब कोई व्यक्ति सामने आ जाता है और वो उन शक्तियों के खिलाफ लड़ता है जो पूरे जिन शासन को चुनौती देती है, तब दूसरे लोग उसे टुकड़ टुकड़ देखते हैं, और जब कोई उस पर प्रहार करता है तो दूसरे लोग अलग हो जाते हैं, सिर्फ तमाशबीन की तरह खड़े रहते हैं। विमल सागर सूरी जी की यह बात देखिए, मैं बहुत स्पष्ट कहता हूं, विमल सागर सूरी जी से मेरी कभी मुलाकात, कभी दर्शन नहीं हुए। कुछ उनके वीडियो मैंने सुने हैं, और हमारी यहां परंपरा में सभी संत आचार्यों का सम्मान है, और मैं जानता हूं हमारे इस देश की परंपरा में हम सभी धर्म के संत गुरुओं का सम्मान करते हैं, यहां तक कि अनूप मंडल के जो संत जिन्हें कहा जाता है, अनूप राज जी, अनूप दास जी, संत जी, हम तो उनका भी सम्मान करते हैं, क्योंकि हमारा ये मानना है, हमने जितना कुछ इस प्रकरण में सुना है, जो हमारी जानकारी में आया है, हमें यह लगा है कि जिस जगत हितकारिणी का जिक्र करके ये लोग पानी पी पी करके जैन धर्म की परंपरा को कोस रहे हैं, उस जगत हितकारिणी का लेखक कोई संत तो हो ही नहीं सकता, ये हमारी मान्यता है। और अगर ये हमारी मान्यता कहीं गलत होती है, तो फिर इसका मतलब है कि भारतीय संस्कृति की ऋषि परंपरा में कोई ऐसी घटना हुई है जिस पर अब लोगों को चिंतन करना पड़ेगा। मैं अपने मूल विषय पे आता हूं। संत समाज का काम भटके हुए को राह दिखाना है, नंबर वन, और संत समाज को यह काम करना चाहिए। हमने पहले भी कहा था कि हमारे जैन धर्म के जितने भी संत आचार्य मेट्रो सिटी में, शहरों की रौनक में चातुर्मास कर रहे हैं, अब उन्हें यह सोचना चाहिए कि उन्हें अधिक से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में और उन क्षेत्रों में जहां अनूप मंडल के हमारे भाई बहन उपस्थित हैं, जिस तरह से भगवान महावीर ने अपने दौर में विरोध करने वालों को ज्ञान का संदेश देकर के उन्हें भटकन से बचाया, और इसके लिए भगवान महावीर को जो जो सहना पड़ा, मैं क्षमा याचना के साथ कहता हूं, आज के संत आचार्य तो सहन कर ही नहीं सकते, हम सोच भी नहीं सकते, हम उनसे ऐसी अपेक्षा भी नहीं करते, लेकिन इतनी अपेक्षा तो रहती है कि संत आचार्यों को अब भवनों की बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं से बाहर निकलना चाहिए। अब सुविधाओं के उन कक्षों से बाहर निकलना चाहिए। अब चमक दमक और रौनक की उस दुनिया से बाहर निकलना चाहिए, और धूल भरी सड़कों पर, सुनसान वीरान उन गांव में जहां पर कुछ लोग रहते हैं, उनके बीच में जाना चाहिए, उनकी
मन की शंकाओं का समाधान करना चाहिए। यह बात बिल्कुल सही है कि पाप तभी मिट सकता है जब पापी का हृदय परिवर्तन हो, और जैन धर्म तो किसी को मिटाने की बात ही नहीं कहता। वो तो अंतरात्मा का पाप मिटाने वाली राह बताता है। लेकिन फिर भी अगर आप पर प्रहार हो, आपके साधु संतों पर प्रहार हो, अशालीन शब्दों की भाषा निकले, उनके सम्मान पर ठेस लगे, तो फिर इसका मतलब यह नहीं है कि जैन समाज अहिंसा की ध्वजा लेकर के सिर्फ खड़ा रहे। हमारे कल के वीडियो में सूरत से श्री दिनेश राज पुरोहित जी ने एक बात कही थी कि परंपरा की रक्षा का भी दायित्व हमारा बनता है। अब वो रक्षा वैधानिक रूप से हो, कानूनी तौर से हो, वो रक्षा प्रशासनिक रूप से हो, और वो रक्षा अगर आप पर इतनी ऐसी बात आ जाए कि आप पर वो उपाय न रहे, तो फिर आत्मरक्षा के लिए कुछ भी किया जा सकता है। और इसके लिए जैन समाज को तैयार होने की जरूरत है। और आचार्य विमल सागर सूरी जी का जो ऑडियो है वो ये बात बता रहा है कि जैन समाज वैसे कमजोर नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपसी टकराहट है, आपसी ईगो प्रॉब्लम है। ये बात उन्होंने नहीं कही, लेकिन उस दर्द का विवेचन मैं कर रहा हूं और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूं। अगर किसी आचार्य, किसी भगवंत को मुझसे सवाल भी पूछने हो तो बिल्कुल मैं तैयार हूं, क्योंकि ये अनुभव और ये प्रसंग बहुत सारे आए हैं। मैं जानता हूं कि कुछ अपवाद ऐसे भी हैं जो वास्तव में पक्के संत हैं, पक्के संत हैं जो भगवान महावीर की उसी परंपरा में चल रहे हैं, जिन्हें न तो नाम का प्रलोभन है, न कोई विशेष सम्मान का प्रलोभन है, जिन्हें तो सिर्फ महावीर के गुणगान का प्रलोभन है। मैं उन संतों, उन आचार्यों के लिए इस तरह की कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, उनको मैं बिल्कुल सम्मान के साथ, विनम्रता के साथ क्षमा याचना चाहता हुआ अपनी उस टिप्पणी से अलग करता हूं। लेकिन मेरी टिप्पणी उन सभी संतों, आचार्यों, भगवंतों से है जिनके वेश में परिधान तो सफेद हैं, लेकिन मन में वो सफेदी नहीं है जिस सफेदी की अपेक्षा अनुयायी करते हैं। वो सफेदी नहीं होती तभी धर्म संघ के जो आध्यात्मिक पथिक हैं वो दौलत की तुला का वजन देखते हैं, वो व्यक्ति की योग्यता का वजन नहीं देखते। उन्हें पैसे वाला धनवान व्यक्ति प्रिय ज्यादा लगता है, फिर वो चाहे पैसा किसी का मार करके भी लेकर आए तो भी चलेगा। उसके लिए वो नहीं कहेंगे कि तुम ये गलत कर रहे हो, और वो पैसा सही रूप से लेकर आए तो भी चलेगा, क्योंकि पैसा आज के दौर में बोल रहा है और इतना बोल रहा है कि इनको भी लगता है कि व्यवस्थाएं पैसे वाले ही करा सकते हैं। इसलिए पैसे वाले का सम्मान करना, उनका अपने प्रवचन में दो तीन बार नाम लेना, ये आजकल शास्त्रीय सम्मत प्रणाली बन गई है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनके मन में आपके प्रति कहीं सम्मान कम है, बल्कि उनकी श्रद्धा उन लोगों से ज्यादा है जो पैसा दिखा करके आगे की पंगत में आते हैं, या फिर समाज के कुछ लोग उन्हें लेकर के आते हैं। एक प्रवचन मैंने ऐसा भी देखा था जिसमें जैन धर्म के ही संत आचार्य थे और कोई समृद्ध व्यक्ति आया था, और जैसा कि होता है कि
सभा संस्थानों के जो पदाधिकारी होते हैं वो समृद्ध व्यक्ति को आगे लाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि सभा संस्थानों के लोगों को तो समृद्ध व्यक्ति विशेष चाहिए, क्योंकि डोनेशन वो ही देते हैं और उसी से सेवा कार्य होते हैं। लेकिन मैं दाद दूंगा, मुझे उनका नाम ख्याल नहीं आ रहा है, उन्होंने चलते प्रवचन में यह कहा था कि जो व्यक्ति बैठा है वो नहीं उठेगा। यानी उस सभा संस्थान के लोग उस वक्त कर क्या रहे थे कि अग्रिम पंक्ति में जो लोग बैठा था उसे उठा करके उसे पीछे भेज रहे थे और समृद्ध व्यक्ति को आगे ला रहे थे। लेकिन आचार्य ने या उन संतों ने अपने प्रवचन के दौरान उस बात को नोट कर लिया और उन्होंने तुरंत इसे रोक दिया। उन्होंने कहा कि जो समय पर आया है उसकी जगह आगे की है और वो ये जो व्यक्ति बैठा है ये उसका स्थान है, इसे नहीं उठाया जा सकता, आप अन्य कोई व्यवस्था कीजिए या फिर जो देर से आते हैं वो पीछे बैठे, ये होना चाहिए। हम इस डिसिप्लिन की आशा करते हैं, हम इस निष्पक्ष भाव की आशा करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सभी समृद्ध व्यक्ति अपना पैसा दिखाते हैं और अग्रिम पंक्ति में आना चाहते हैं, मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे समृद्ध व्यक्ति भी देखे हैं जो डोनेशन भी देते हैं, जो लोगों की सेवा भी करते हैं, लेकिन जब आगे आने की बारी आती है तो वे आगे नहीं आते, वे सबसे पीछे बैठते हैं, लोग बुलाते हैं तब भी नहीं आते, मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं। इसलिए जब मैं समृद्ध व्यक्ति पर टिप्पणी कर रहा हूं तो इसका मतलब यह कतई न समझे कि मैं सभी पर बोल रहा हूं। हम सब ये जानते हैं कि समाज में सभी तरह के लोग होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप में विरले होते हैं, अपने आप में परिपूर्ण होते हैं, वो संत समाज से भी होते हैं, वो श्रावक समाज से भी होते हैं। इसलिए उन पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है, उनके प्रति मेरे दिल में असीम सम्मान है, और वो व्यक्ति वास्तव में श्रावकत्व की पहली पंक्ति में ही हैं, चाहे वो किसी समारोह की पहली पंक्ति में बैठे या न बैठे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे बैठने पीछे बैठने से कोई बड़ा या छोटा नहीं हो जाता, आपके विचार कितने आगे के हैं और आपके विचार कितने पीछे के हैं, विचारों से व्यक्ति बड़ा और छोटा बनता है। तो आज मैं जिस ऑडियो को सुनकर के अपनी बात कह रहा हूं वो ऑडियो यह बता रहा है कि एक व्यक्ति ने अपनी परंपरा, अपनी मर्यादाओं के लिए अपनी बात रखी तो क्या समाज ने उस व्यक्ति को अकेला छोड़ दिया? लेकिन एक बात मैं इसमें फिर जोड़ूंगा, शायद विमल सागर सूरी जी महाराज को यह पता नहीं है कि बहुत सारे लोग अपने अपने हिसाब से बात उठा रहे हैं और कुछ लोग वैधानिक रूप से अपनी प्रक्रिया भी कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है उनका दर्द अपने आध्यात्मिक समाज के प्रति है और वो दर्द उनका वाजिब भी है। क्योंकि आज कोई टारगेट है, कल कोई टारगेट होगा, परसों कोई होगा, तो याद रखिएगा कभी ना कभी आपका भी नंबर आएगा। इसलिए कोई यह ना सोचे कि ये बोल रहे हैं बोलने दीजिए, इनके साथ जो होना है होने दीजिए। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर कोई ये सोच रहा है तो मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। जब हम सद्भावना के साथ पैगाम दे सकते हैं तब हम क्या अपने
साथी के लिए सहयोग की भावना का पैगाम नहीं दे सकते या नहीं देना चाहिए। एक बात बहुत साफ कहना चाहता हूं, ये जो विवाद है, ये विवाद न तो सरकारी कमेटियों से, न कोई मंचों से सुलझेगा और न ही सिर्फ और सिर्फ बोलने से सुलझेगा। इस विवाद में आपको वैधानिक प्रक्रिया का पूरा पूरा सहारा लेना होगा और हमारे संत आचार्यों को ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के उन लोगों के समक्ष रहना होगा और जहां पर भी उनकी शंका समस्या है उन्हें बुला करके बैठा करके उनकी शंका समस्या के ही प्रवचन करने होंगे। साधु संतों का ये दायित्व बनता है और साधु संत जैन धर्म के साधु संत भी सिर्फ जैन धर्म के साधु संत नहीं है, पूरे ब्रह्मांड के हैं। अगर कहीं अज्ञान है, अगर कहीं भ्रम है, अगर कहीं संशय है, आपके पास सत्य का दीपक है तो आप उसे सत्य का दीपक दिखाइए, उसकी अंधेरी राह को रोशन कीजिए। 100 साल पहले से पुराना ये विवाद अब तक चल रहा है और सच्चाई कड़वी इतनी है कि जैन धर्म के सभी लोगों को अभी मालूम तक नहीं है। सभी लोगों की छोड़ दीजिए, मीडिया में जो लोग रहते हैं उन्हें भी पूरा मालूम नहीं है। ये जो विवाद है वो दुखद है। अनोप मंडल के लोग भी कोई दूसरे नहीं है, हैं तो हमारे ही है, तो भारतीय ही। लेकिन दुखद घटना यह है कि उनको अंग्रेजों से प्यार है, उनको अपने देश के वैसे समाज बनिए समाज से नफरत है। अफसोस इस बात का है कि जिस वैश्य समाज ने, चाहे वो जैन हो, चाहे वो अग्रवाल हो, चाहे वो महेश्वरी हो, चाहे वो राजपूत हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, पारसी हो, जो व्यापार करता है वो वैश्य समाज की कैटेगरी में आता है, और जो व्यापार करके धन कमा करके अपने समाज या दूसरे समाज में कहीं ना कहीं सेवा कार्य में लगाता है तो साहब वो सेवा कार्य में भी आता है। इस बात का अफसोस है कि अनोप मंडल को वो गौशालाएं नहीं दिखती, वो हॉस्पिटल्स नहीं दिखते, वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट स्कूल्स नहीं दिखते, वो उद्योग धंधे नहीं दिखते जिसमें गांव के लोग, इस क्षेत्र के लोग, उस क्षेत्र के लोग काम करते हैं, रोजगार करते हैं। अफसोस, अज्ञानी लोगों के सड़क पर उतरने से और हल्ला बोल करने का नहीं है, अफसोस इस बात का है कि पढ़े लिखे लोग भी ऐसा कर रहे हैं और ऐसा करवा रहे हैं। ये दुखद है और बड़ा दुख है कि हमको अपने ही लोगों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करनी पड़े, कोई वैधानिक कार्रवाई करनी पड़े, या उनके लिए संघर्ष की पूरी तैयारी करने पड़े। क्यों अपनों के खिलाफ कैसी लड़ाई? लेकिन काश वे अपने समझें, उनके मन में कोई शंका हो तो शंका को लेकर के आए, समाधान पाए, लेकिन सम्मान के साथ आए, मन में सम्मान रख करके आए तो हर दुविधा का, हर शंका का समाधान निकल सकता है। हम टकराहट को न तो प्रोत्साहन देते हैं न टकराहट चाहते हैं, क्योंकि हमें मालूम है टकराहट से ऐसा कोई काम नहीं होता जिसमें किसी को नुकसान न हो, किसी को कम किसी को ज्यादा, ये हो सकता है लेकिन नुकसान तो होता है। इसलिए जिसमें नुकसान होता है उसकी तकरीर हम क्यों करें, लेकिन जब कोई नहीं माने तो फिर क्या उस समाज को अपनी सुरक्षा का उपाय नहीं करना चाहिए? उसे करना पड़ेगा, क्योंकि
अपनी परंपरा अपनी मर्यादाओं की रक्षा की जिम्मेदारी भी समाज को है। सवाल मैंने बहुत रख दिए हैं, सोचेंगे लोग कितने और आचार्य भगवंत संत कितना सोचेंगे, क्योंकि बात कड़वी है और कड़वी बात को लोग अक्सर सोचते नहीं, लोग छोड़ देते हैं। लेकिन दवाई कड़वी होती है साहब, अगर समय पर ली जाती है तो वो इलाज करती है, रोग को ठीक करती है। फिर भी मेरे इस वीडियो में अगर कहीं कोई शब्द, कहीं कोई आवाज, कहीं कोई एहसास, कहीं कोई अंदाज किसी के प्रति भी ऐसा लगा हो कि हमारी प्रतिष्ठा पर आघात हुआ है, हो सकता है किसी भी व्यक्ति को भी यह लगे कि मेरी प्रतिष्ठा पर आघात संजय सनम ने कर दिया, तो माफ कीजिएगा, मैं किसी की प्रतिष्ठा को आघात करने की न तो मंशा रखता हूं और नहीं आता हूं। लेकिन बात जब समाज की होती है और अगर कहीं कोई किसी का दर्द झलका होता है, तब फिर उस पर बोलना एक पत्रकार की जिम्मेदारी होती है और इस वक्त मैं पत्रकार की भूमिका ही निभा रहा हूं। मुझे विश्वास है कि जो उचित लगेगा उसे आप ग्रहण करेंगे, जो अनुचित लगेगा उसे आप छोड़ देंगे, छोड़ दीजिएगा, लेकिन मन में कहीं तकलीफ को साथ में मत रखिएगा, कहीं दर्द साथ में मत रखिएगा। ये मेरा निवेदन है और मैं फिर कहता हूं कि इस मसले को सिर्फ कमेटियों में और सिर्फ कुछ मंचों में मत छोड़ दीजिएगा। अगर कमेटियों में और मंचों में ही छोड़ देंगे तो फिर वहीं पर गोल गोल घूमते रहेंगे। अगर कहीं कोई बात होती है तो निदान उसी जमीन पर जाकर के करना पड़ता है। इसलिए जहां पर हमारे अनोप मंडल के भाई बहन रहते हैं वहां पर जाइए, बाहर बाहर घूमने से नहीं होगा। संतों को भी जाना चाहिए और हमारे समाज के नेताओं को भी जाना चाहिए, दोनों के लिए यह संदेश है। बहुत बहुत आभार, नमस्कार। वीडियो को लाइक शेयर अगर आपको उचित लगे तो कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल बटन को दबा दीजिएगा। आप हमारे डिजिटल फर्स्ट न्यूज को ज्वाइन भी कर सकते हैं। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।